अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉगिंग आवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज के ब्लॉग में आपको मिलेगा सुबह की रूटीन और हुसैन की मस्ती, और लास्ट में शेयर करेंगे आपसे एक रेमेडी। तो आइए चलते हैं ब्लॉग की तरफ। ये सुबह की 6:30 बज रहे हैं और फजर नमाज के बाद अभी ये थोड़ा सा सवेरा ये रोशनी निकल आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँ सुबह का। ये इतना अच्छा मौसम हो रहा है अभी, और ये भी परिंदों की चहचहाहट शुरू हो रही है। और यहाँ पर मैं अपना लेसन याद कर रही थी। आजकल मैं कुरान शरीफ को सही तजवीद के साथ पढ़ रही हूँ। मैंने पहले भी कुरान शरीफ पढ़ा है लेकिन मेरी तजवीद ठीक नहीं। तो आप ही दुआ कीजिएगा कि मैं अच्छी तरह सीख जाऊँ और अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वैसे हमारी टीचर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हैं, टाइम भी देती हैं, और वीक में हमें सिर्फ 2 बार ही लेसन सुनाना पड़ता है। और मेरा नमाज कोर्स भी कंप्लीट हो गया और उसका रिज़ल्ट भी आ गया है, और उसके साथ साथ मैं सूरह कैफ की आयत भी हिफ्ज़ कर रही हूँ। तो अल्लाह हमें दीन को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर यहाँ पर हम अपना नाश्ता तैयार कर रहे थे और फिर हुसैन ट्यूशन पढ़ने आ गया था, और हुसैन के बिना तो हमारा व्लॉग कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तुम बैठे हुए अदिते तू जीतते थे हुई आउट तू विन पेपर मोती आज की रेमेडी है गले और चेस्ट के इन्फेक्शन के लिए। जैसा कि आजकल गले और चेस्ट का बहुत इन्फेक्शन चल रहा है, और ये रेमेडी बहुत कमाल की भी है और इजी भी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ये 3 चीज़ें लेनी है, उनाप, लेसुड़े और बेगदाना। ये किसी भी पासार की दुकान से आपको इजीली मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ी थोड़ी मिकदार में अलग कर ली है। तो पहले आपको ये करना है कि पहले एक गिलास पानी में आपको उनको भिगोना है और फिर बॉयल करने के लिए अच्छे से रख देना है, और जब ये पानी 1 कप रह जाए तो फिर इसको छान लेना है और पी लेना है। ये आपके गले और चेस्ट के इन्फेक्शन पर बहुत काम करेगा। तो ये बड़े बच्चे बूढ़े सभी ले सकते हैं, और ये आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।